क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी आसान सा ही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप टेन इनवर्स एक्स को टी रेड करते हो ना, तो ये जो नीचे है वो नहीं बचने वाला। चलो चेक कर लेते हैं। लेट कर लो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है, 1/(1+x²) मिलता है। फिर एक्स को करो तो डी एक्स मिलेगा, और टी को करो तो डी टी मिलेगा। तो यहाँ से मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है, जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में कर दो, 1+(x²) मल्टीप्लाई में कर दो किसके, डी टी के। ये वैल्यू मिल गई डी एक्स की, पुट कर दो इसमें जो जो वैल्यू मिली है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, टेन इनवर्स x को हमने t लेट किया है तो e की पावर t आ गया, डिवाइड में 1+(x²) है ही, और dx की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1+(x²) dt है कि नहीं। यहाँ पे नीचे भी सेम वैल्यू है, ऊपर भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, जो कि वैल्यू इक्वल होता है हमारे पास e की पावर x प्लस सी के। यहाँ पे t है तो e की पावर t प्लस सी के, हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको t की वैल्यू पुट करनी है। t क्या है हमारे पास, e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था और ऐसे ही करना था हमें, ठीक।